Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. राजपुताना मिशन में जाने के लिए खंडे राव ने मल्हार राव को दे दिया है संकेत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो खंडेराव आ चुके हैं अपने वाड़े में, अपने ही तरीके से, एक दिलचस्प तरीके से उन्होंने एंट्री मारी है और सब खुश है। अब यहाँ पे जब मल्हार राव होलकर भी आते हैं और फिर आरती उतारती है गौतमा खंडेराव की आया है मेरा बेटा 7 साल बाद, मगर वो रोक देते हैं उनको कि माँ मेरी आरती मत उतारो, आईसाई मेरी आरती मत उतारिए, क्योंकि मैं कोई मिशन जीत के नहीं आया हूँ, मैं कोई जंग जीत के नहीं आया हूँ, मैं तो एक सजा काट के आया हूँ। अब इस बात के दो मतलब हो सकते हैं दोस्तों, उन दोनों मतलब पे हम चर्चा करते हैं और एक मतलब जिस पे मैंने पहले बोला है उसी पे मैं चाहूंगी कि आप भी ध्यान दें। तो चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जैसे मैं पहले भी आपको बोलती हूँ, बताती हूँ, अपनी तरफ से रखती हूँ बात को कि कोई भी बात बिना वजह नहीं होती है, और खास करके जब सीरियल हम कर रहे हैं तो बिना वजह कोई सीन नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ है कि काफी समय से हम देख रहे हैं हर एपिसोड में राजपुताना मिशन की बात होती है जो कि गुनू जी ने शुरू की। जब गुनू जी और धना जी सरदार गुस्से में थे, पिलाजी पाटिल को सजा होने वाली थी और उस जगह पे गुनू जी ने अपने धना जी सरदार जो उनके पिताश्री हैं उनकी जो जख्म है उन पे मरहम लगाया था कि हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने खुद सुना है मल्हार राव होलकर को कि मुझे भेजेंगे राजपुताना मिशन पे, तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप क्या इस मौके को गंवा रहे हो। तो दोनों बाप बेटा बिल्कुल ही बोल सकते हैं कि चिंता रहित होके बैठ गए थे कि अब तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मगर उसके बाद खंडेराव के आने की बात जब आती है और इसी पे जो है एक टाइम पे फुल स्टॉप लग जाता है कि जब खंडेराव आएगा तब ये अनाउंसमेंट होगी कि कौन जाएगा इस मिशन पे, ये सब हमने देखा है। ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि खंडेराव अब आ गए हैं और मल्हार राव बहुत खुश है, चाहे उनका बेटा उनको कुछ भी कह रहा है, बातों बातों में सुना रहा है, मगर वो अंदर से खुश है क्योंकि जब एक बेटे के मरने की खबर आती है और फिर बेटा सामने खड़ा है, जवान खून सामने खड़ा है उनका अपना, तो कितनी खुशी होगी। उस समय खंडेराव उनको कुछ भी कहे उनके दिल को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि उनको पता है कि बेटा नाराज भी है उनसे। अब उसी जगह पे जब खंडेराव ये बात कहेंगे कि मैं कोई मिशन जीत के नहीं आया हूं, मैं कोई जंग जीत के नहीं आया हूं, मैं सजा काट के आया हूं, और खंडेराव जिस तरह से अपने आप को दिखा चुके हैं, काबिलियत अपनी दिखा चुके हैं, जैसे निजाम के हमले से बचकर आ जाना और सीधा वाड़े में पहुंच जाना और वहां पे भी आके अपने कर्तव्य दिखाना, सब चीजें वो कर चुके हैं, दिखा चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि खंडेराव काफी काबिल सूबेदार बन चुके हैं। छोटे अब कहना जायज नहीं होगा क्योंकि अब वो भी बड़े सूबेदार बन चुके हैं, तो बन चुके हैं। तो ये जब चीजें मल्हार राव होलकर देखेंगे और इस बात के लिए वो अहिल्या को थैंक यू भी बोलेंगे कि थैंक यू, धन्यवाद अहिल्या, तुमने मेरा ये जो घोषणा वाला निर्णय था वो तुमने मुझे पोस्टपोन करवा दिया कि जब मेरा बेटा सामने खड़ा है, इस गद्दी का वारिस सामने खड़ा है, एकदम काबिल वारिस खड़ा है, तो उसको मैं मिशन पे भेजूंगा या फिर जवाई साहब को भेजूंगा, तो वारिस को ही भेजना बनता है ना। तो ये सीधा सीधा इशारा वो समझ जाएंगे मल्हार राव होलकर, और मुझे लगता है यही होगी वजह जो उनको आगे मिशन पे जाने के लिए उनके लिए सूटेबल होगी। और दूसरी वजह जो है वो तो है ही, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ना समझे या आप ना समझे कि उनके मन में, खंडेराव के मन में अपने बाप के प्रति, अपने पिता के प्रति, मल्हार राव होलकर के प्रति मन में थोड़ी सी खलिश जरूर है जो बचपन से ही थी, इस निर्णय के बाद ज्यादा बढ़ गई कि मुझे इतने सालों के लिए भेज दिया अपने वाड़े से दूर, वो खलिश तो है ही। अब उस खलिश से निकला हुआ ये डायलॉग कि मैं कोई जंग जीत के नहीं आया हूं, ये डायलॉग सीधा उनको मिशन पे भेजने के लिए कह सकते हैं कि उनके साथ होगा, वो डायलॉग उनको हेल्प करेगा मिशन पे जाने के लिए, और मल्हार राव होलकर के दिमाग में ये डायलॉग बैठेगा। मेरा तो ये मानना है दोस्तों, आप भी इस डायलॉग के पीछे की वजह अगर कोई और आपके दिमाग में आती है, आप समझते हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच।